डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास के साइंस में हम लोगों ने पिछले क्लास में जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। चलिए जंतु हार्मोन में ही और कुछ पॉइंट्स बच गए थे हम लोगों को, चलिए उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक के पढ़ा था कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए आयोडीन की मात्रा चाहिए, अतः हमें आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई जंतु को आयोडीन युक्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो उसे ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसका पहचान है कि गले में सूजन हो जाना, गला फूल जाना जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, पहले चीज़ों को लिख लेंगे फिर हम लोग समझेंगे। तो लिखा जाए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला, स्रावित अस्त्रावित लिखाता है, स्रावित पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, एक वृद्धि हार्मोन है। ध्यान दीजिए, ये वृद्धि हार्मोन्स का काम क्या है? ये वृद्धि हार्मोन शरीर के लंबाई को बढ़ाता है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति में या बाल्यकाल की स्थिति में, जब छोटा बच्चा होता है, उसमें अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन कम हो जाए या वृद्धि हार्मोन्स कम बने किसी बच्चे में, तब वह बौनेपन का शिकार हो जाता है। लोग उसको बौना के नाम से पुकारते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एक ग्रंथि का नाम याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। कौन से हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। और यही वृद्धि हार्मोन शरीर के हाइट को बढ़ाता है, शरीर में वृद्धि करता है। अगर जिस किसी भी बच्चे का बाल्यकाल में, छोटे ही अवस्था में, अगर इस वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए, तब वह बौनापन का शिकार हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सवाल आता है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि वह ग्रंथि है जिससे वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जी हाँ, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि वृद्धि हार्मोन का काम है शरीर में वृद्धि करना, शरीर के ऊंचाई को बढ़ाना। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। उसमें कारण यह है कि उनमें वृद्धि हार्मोन ज़्यादा पाया जा रहा है, ज़्यादा उनके शरीर में बन रहा है, सिवाय उनके हाइट बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर जिस किसी भी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो उनकी शरीर ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगी। फिलहाल नेक्स्ट एरो लिखा जाए बाल्यकाल का मतलब जो बच्चा का छोटा स्थिति हो उसको बाल्यकाल कहा जाता है। तो बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाने पर, बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाने पर व्यक्ति बौनापन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति बौनापन का शिकार हो जाता है।
तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति का बौना होना या उसका लंबा होना वो किस पर निर्भर है, तो वृद्धि हार्मोन पर। और वृद्धि हार्मोन्स जिसमें ज़्यादा बनेंगे उसकी हाइट लंबी हो जाएगी, अगर जिसमें वृद्धि हार्मोन कम बनेंगी यानी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और ये कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलती है, तो पीयूष ग्रंथि से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देते हैं। लिखा जाए मानव के नर में, नर नर मतलब लड़का, बॉय ठीक है, उसको नर कहा जाता है। मानव के नर में टेस्टोस्टेरोन, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया नाम है और बहुत ही अच्छा नाम और बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट नाम, टेस्टोस्टेरोन। मानव के नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में, मादा मादा मतलब गर्ल्स लड़की, मादा में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन लगभग लगभग 10-12 वर्ष की आयु, 10-12 वर्ष की आयु में, एस्ट्रोजन हार्मोन लगभग 10-12 वर्ष की आयु में स्रावित तो होने लगते हैं, स्रावित तो होने लगते हैं। अतः अतः इस स्थिति में, इस स्थिति में शरीर में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है, इस स्थिति में शरीर में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्त, अब आपको समझना चाहिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना बहुत ही समझने वाला पॉइंट्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। याद रखिएगा मानव में जो नर होते हैं, नर का मतलब बोए लड़का, उनमें कौन सा हार्मोन निकलने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये कब निकलता है, 10-12 वर्ष की उम्र में। वहीं अगर गर्ल्स में बात किया जाए, मादा में, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, इसमें कौन सी हार्मोन्स पाई जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी 10-12 ईयर्स में स्रावित होने लगती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो नर में टेस्टोस्टेरोन, याद रख लो भाई, नर में जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं या मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, कि नर में कौन से हार्मोन्स 10 से 12 साल की उम्र में रिलीज होती है। तो नर के लिए याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन और मादा के लिए, गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन भी 10 से 12 वर्ष की उम्र में निकलता है, वो भी लड़कों में, और गर्ल्स में अगर जिसको मादा बोल रहे हैं उसमें 10 से 12 वर्ष की उम्र में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अब सर इसका मतलब क्या है, अक्सर आपको बॉयज में देखते होंगे, बॉयज में अक्सर 10 से 12 साल की उम्र आते आते उनके आवाज़ का भारी होना, आवाज़ भारी होते हैं, दाढ़ी मूछ निकलने लगते हैं ठीक है, जो कंधे होते हैं, कंधे के नीचे बाल उगने लगते हैं ठीक है, जांघों के बीच बाल उगने लगते हैं। तो कहने का मतलब है ये आखिर किसके वजह से होती है, तो याद रखना बॉयज में जो नर में टेस्टोस्टेरोन 10 से 12 साल की एज में वो रिलीज होने लगती है, ये तुरंत बच्चा में ये नहीं होता है, 10 से 12 साल की उम्र के बीतने के बाद आपको बॉयज में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होती है, इसलिए उसका आवाज़ भारी होने लगता है, दाढ़ी मूछ निकलने लगते हैं, कंधे के नीचे बाल आने लगते हैं, जांघों के बीच बाल उगने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी प्रोसेस जो होने लगती हैं वो 10 से 12 साल में
होने लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना लंबी, उनकी हाइट भी बहुत जल्दी लंबी होती है 10 से 12 साल की उम्र में। यानी कि ये 10 से 12 ईयर्स ओल्ड जो है एज, ये बहुत ही खतरनाक एजेज होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है मानव के शरीर में। वैसा ही अगर सेम अगर बात किया जाए गर्ल्स में, तो गर्ल्स के लिए हम बात करें तो गर्ल्स में भी 10 से 12 ईयर ओल्ड 10 से 12 साल की उम्र में एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलती है, और यही हार्मोन्स की वजह से उनकी चेस्ट की जो साइज होती है, ब्रेस्ट जिसको कहते हैं, उसका आकृति बढ़ने लगती है, फूलने लगती है, चेस्ट उनकी फूलने लगती है। दूसरी बात कि जांघों के बीच बाल उगने लगती हैं, इनमें भी ये प्रोसेस होती हैं। तीसरी बात कि मंथली साइकिलिंग जिसको कहते हैं, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, उसको रज्जु धर्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो ये भी साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है 10 to 12 ईयर ओल्ड। हाँ, किसी किसी में अंतर होती है, किसी की 13 ईयर्स में भी स्टार्ट होती है साइकिलिंग, जिसमें ब्लडिंग होने लगती है, हर माह में एक माह में एक बार ब्लडिंग्स होती है, ब्लडिंग्स स्टार्ट होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गर्ल्स में भी बॉयज़ की तरह ही शरीर में अंतर देखने को मिलता है, वो भी अंतर कितने में, 10 से 12 साल की एज में ये स्टार्ट होने लगती है। तो अगर ये सब शारीरिक अंतर जो दिखाई देती है वो किसके वजह से दिखाई दे रही है, तो कुल मिलाकर जो अंतर दिखाई देती है वो हार्मोन्स की वजह से। हम लोग चाह कर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम चाह कर भी इसको जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है इसको कम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप याद रखिए कि जो भी गर्ल्स होंगे उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाई जाती है, इसके वजह से उनकी चेस्ट की जो साइज है बढ़ने लगती है धीरे धीरे, जांघों के बीच बाल उगने लगते हैं, मंथली साइकिलिंग होने लगती है, मतलब मासिक धर्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे रज्जु धर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसमें महिलाएं हर मंथ एक बार ब्लीडिंग का शिकार होती है, लगभग ये 4 से 5 दिन तक उनकी ब्लीडिंग चलती है। तो ये साइकिलिंग जो है स्टार्ट होती है, याद रखेंगे ये किसके वजह से ये सभी सारे चेंजेज आती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से। और ये भी बहुत बड़ा अंतर है, ये भी गर्ल्स में ना अचानक 10 से 12 साल में अचानक ये सभी चीज़ें आने लगती है, ठीक है। वहीं अगर बॉयज़ का बात करें तो ये सभी सारे चीज़ें, दाढ़ी मूछ का आना, देखिए 10 से 12 साल का जो भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनकी दाढ़ी मूछ अचानक से धीरे 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 उगने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो चेंजेज आती है ना वो हार्मोन्स की वजह से। तो गर्ल्स में जो चेंज आई वो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, और बॉयज़ में जो चेंज आई वो है टेस्टोस्टेरोन के वजह से। और ये स्टार्ट कब से होती है, 10 से 12 साल के बीच में ये स्टार्ट होने लगती है। अब यही मात्रा, यही वाला, अगर मान लेते हैं किसी बॉय में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, ध्यान से सुनो, बहुत सारे ऐसे आपको व्यक्ति मिले होंगे जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हुई है, जिनके जांघों के बीच बाल नहीं उगा होगा, जिनकी आवाज़ भद्दा नहीं है, जिस तरह से आवाज़ मोटा होना चाहिए उनका मोटा नहीं है, लड़की की जैसा आवाज़ उनकी पतली नज़र आती है। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि उस व्यक्ति में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए उसका दाढ़ी मूछ नहीं निकला। एज तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं है कि एज नहीं हुआ, एज उनकी 20 साल 25 साल 30 हो गई लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं निकली, वजह टेस्टोस्टेरोन का। कंधे के नीचे बाल, यानी कि जो सोल्जर होते हैं या फिर जंघा होते हैं उनके बीच के बाल उगे नहीं, आवाज़ उनकी बहुत अजीब टाइप की है, तो याद रखना उस आदमी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है। वहीं अगर बात करें गर्ल्स में या वोमेन में, औरत में, तो इसमें अगर चेस्ट की साइज अगर उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है,
चेस्ट की साइज नहीं बढ़ रही है, यानी कि बिल्कुल ही अंतर नहीं पाया जा रहा है, जांघों के बाद बाल नहीं उगे हुए हैं, उनकी साइकिलिंग नहीं हो रही है हर मंथ, तो कुल मिलाकर उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है। इसलिए बहुत सारे वोमेंस जो हैं, बहुत सारे लेडीज गर्ल्स जो हैं, वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की गोलियों को भी सेवन करती है ताकि उनकी साइकिलिंग हमेशा बना रहे, ताकि उनकी चेस्ट की साइज बढ़े। तो कुल मिलाकर ये सभी को कंट्रोल करता है हार्मोन्स। याद रख लो, जो गर्ल्स में यानी कि लेडीज में वो हार्मोन्स कंट्रोल करता है इन सभी चीज़ों को, वो है एस्ट्रोजन, और जो बॉयज में ये सभी जो चीज़ों को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। दूसरी बात अगर बात करें तो एक और बात आपको जानना चाहिए कि मानव में यही हार्मोन्स, ध्यान रख लो, मानव में टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन ही है जिसके वजह से जो है नए संतान की उत्पत्ति कराया जा सकता है। याद रखना, तो मानव में ये पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और सेक्सुअल रिलेशंस के बीच ये मादा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जिसमें बच्चा जो है गर्भावस्था के दौरान पलने लगता है। तो कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ही है जो मादा में सेक्सुअल रिलेशन के दौरान मादा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और मादा में ये फिर संतान की बोल सकते हैं सेवन, पालन, पोषण होने लगता है, और फिर नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो एक आपको जानकारी के तौर पे बता देते हैं कि मानव में ही पाया जाने वाला ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संतान की उत्पत्ति करने में सहायक होता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बने तो फिर उसके संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं, चलिए उसके बारे में भी लिखा जाए। नेक्स्ट आरो देखकर, मानव में इंसुलिन हार्मोन, एक नया हार्मोन्स मिल रहा है इंसुलिन। देखिए नए नए जो नाम्स आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा भाई, इसलिए कि बायोलॉजी में आप पहली बार इन नाम का सुन रहे हैं, आपका कान ये नाम पहली बार सुन रहा है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, क्या क्या, तो ये सभी बात याद रखिएगा। यहाँ लिखे हैं मानव में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय में होता है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। याद रखिए दोस्तों, एक और नया हार्मोन्स जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन्स। अब ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो हमारा पेट के अग्न्याशय से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये इंसुलिन काम क्या करता है, तो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में, आपको पता है ना कि हमारे नसें जो होती है उसमें ब्लड जो है हमेशा चलते रहती है, दौड़ते रहती है, तो इस ब्लड में शर्करा की भी मात्रा है, शर्करा मतलब मीठा की मात्रा, तो इस शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। याद रखिएगा, शर्करा के मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है कि मानव शरीर का जो खून है, रक्त है, उसमें कितनी मात्रा में शर्करा है इसको मेंटेनेंस करने का काम करता है, और यही इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्न्याशय से निकलती है। ठीक है, और एक और आपको जानना चाहिए कि अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाए, मान लीजिए इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में मीठा जो है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना, मान लिया जाए कि किसी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो मीठा का मात्रा को कंट्रोल नहीं करेगा, इसलिए उसको कहा जाता है कि मधुमेह का रोगी है। मधुमेह यानी कि
वैसा व्यक्ति जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाए उसको मधुमेह का रोगी समझा जाता है। आपको सवाल आ जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो उसे कौन सा रोगी कहते हैं, तो उसको मधुमेह की रोगी कहते हैं। और तीसरी बात आपको ये जानना चाहिए कि डॉक्टर ये सलाह देते हैं मधुमेह के रोगियों की कि आपको ज़्यादा मीठा का सेवन नहीं करना है, इसलिए क्योंकि आपका इंसुलिन तो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा है कि ब्लड में कितना शर्करा है क्या है, तो इसलिए उसको एकदम सख्त रूप से मना ही रहता है कि मीठा फल नहीं खाइए, केला या फिर चीनी शरबत ये सब जो है मधुमेह जिसको हुआ रहेगा उसको ज़्यादा मीठा खाने की सलाह नहीं दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि अगर मधुमेह हो भी गया तो आपको एक सुई आता है, ये आता है इंसुलिन का सुई जिसको इंसुलिन इंजेक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लिया कि हम ही को मधुमेह हो गया चाहे आप ही को हो गया, तो अब ये इसका इलाज क्या है, तो ये मेडिकल स्टोर में इंसुलिन का सुई आता है, बहुत ही महंगा सुई है इंसुलिन इंजेक्शन। जैसे मान लिया कि ये इंसुलिन तो आपके शरीर में बनना चाहिए ना, लेकिन ये बन नहीं रहा है, तो इसलिए बाहर से आप इंजेक्शन सुई लेना पड़ता है इंसुलिन का, जो कि बहुत ही काफ़ी टफ है, बहुत काफ़ी महंगा है। इसको लोग ऐसे जनरल कंपाउंडर्स या डॉक्टर लोग इसकी सुई नहीं देते हैं, इसका बहुत ही रूल नियम से सुई दिया जाता है, नहीं तो जम जाता है सिरिंजे में, ऐसा करके इंसुलिन का कहानी है। तो इंसुलिन की जो इंजेक्शन होती है वो मधुमेह की रोगियों को दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एरो देते हैं, लिखेंगे यदि इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, मधुमेह के रोगियों को शर्करा कम खाने की सलाह दी जाती है, मधुमेह की रोगियों को शर्करा का मतलब मीठा चीज, जैसे कि बोल सकते हैं चीनी गुड़ मिश्री ये सब जितने भी मीठा वाले होंगे कम खाने की सलाह दी जाती है। फिर नेक्स्ट एरो लिखेंगे मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दी जाती है। तो दोस्त इस तरीके से पूरा चैप्टर हम लोगों को ख़त्म हो गया, हम लोग अच्छे तरीके से समझे भी। तो अब ये लास्ट में अब हम लोगों का अभ्यास का प्रश्न उत्तर बचा हुआ है और कुछ बीच में जो प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर था वो कुल मिलाकर हम लोगों को ख़त्म हो गया है। तो अब अगले क्लास में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्त फिर से मिलते हैं अगले क्लास में आंसर क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।